हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स थे। दो न्यूमेरिकल्स हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, बाकी जो तीन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और बचते हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया क्या हुआ है, यहाँ पे हमें दिया कि दो पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, दो पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड है प्लस 15 माइक्रोकूलम एंड बी का मैग्नीट्यूड है प्लस 9 माइक्रोकूलम। हमने क्या करना है, इनको 18 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। ठीक है, ये ए चार्ज था 15 माइक्रोकूलम का, ये बी चार्ज है 9 माइक्रोकूलम का, दोनों R1 डिस्टेंस पे पड़े हैं, दैट R1 इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। नाउ हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन व्हेन द चार्ज बी इज मूव्ड 3 सेंटीमीटर टुवार्ड्स ए। हमने वो वर्क डन काउंट करना है जो करना पड़ेगा बी को वहां से उठा के यहां पे लेके आने के लिए, और ये डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर ए के पास लेके आना है इसको, तो तब कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात करते हैं गिवन की। तो गिवन पहले हम लिख लेते हैं, Q1 मान लेते हैं कि ए चार्ज को Q1 माना, दैट इज 15 माइक्रोकूलम, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 15 × 10⁻⁶ कूलम्स। ठीक है, सिमिलरली Q2 इज इक्वल्स टू प्लस 9 माइक्रोकूलम एंड दैट इज ऑल्सो बी रिटर्न एज 9 × 10⁻⁶ कूलम्स। ओके, R1 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर इज ऑल्सो रिटर्न एज 18 × 10⁻²⁺ मीटर। ओके, उसके बाद में ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए R2, ये डिस्टेंस कितना है R2, ये कितना आएगा, ये 18 था और ये 3 है, तो 18 में से 3 माइनस कर दूं, ये ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज R2। तो R2 किसके इक्वल आएगा, R2 इज इक्वल्स टू 18 − 3 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 15 × 10⁻²⁺ मीटर। ओके, तो ये था गिवन जो हमें दिया हुआ था। अब बात करते हैं कि वर्क डन हमने निकालना है जब बी चार्ज को ए चार्ज के पास लेके आए 3 सेंटीमीटर उसके क्लोज लेके आ गए। तो अब यहां पे देखो हम क्या करेंगे, हमने दो पोटेंशियल एनर्जीज निकालनी है। बेसिक स्टेप क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। हमने जब पोटेंशियल का बेसिक्स किया था तो हमने बोला था कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन ही तो होता है, और उसी वर्क डन को हमने बाद में एनर्जी बोल दिया था। तो हम क्या करें, उस पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें दोनों पॉइंट्स की, यानी कि एक तो 18 सेंटीमीटर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक हम इस 15 सेंटीमीटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालें, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इनिशियली दोनों चार्जेस 18 सेंटीमीटर पे पड़े थे, एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी, फाइनली दोनों चार्जेस 15 सेंटीमीटर पे पड़े हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी इसकी। तो मान लेते हैं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास U1 है, एंड U1 क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 4πε₀ Q1 Q2 / R1। वैसे ही सिमिलरली U2 कितना आएगा, 1/4πε₀ Q1 Q2 / R2। तो ये थी हमारी फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और U2 है हमारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देन वर्क डन इज गिवन एज, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू U2 − U1, दैट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 1/4πε₀ U2 और U1 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, Q1 Q2 / R2 −1/4πε₀ Q1 Q2 / R2, ये बन गया। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है, 1/4 Q1 Q2 / 4πε₀ कॉमन आएगा, हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 1/R2 −1/R1, क्लियर। अब जस्ट क्या करना है, 1/R2 −1/R1 हमारे पास आ गया, जस्ट वैल्यूज पुट कर दो, Q1 Q2 की वैल्यू पुट करें, तो Q1 हमें दिया हुआ है 15 × 10⁻⁶, Q2 हमें दिया हुआ है 9 × 10⁻⁶, 1/4πε₀ होता है 9 × 10⁻⁹। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 1/R2, R2 कितना है हमारे पास, 15 × 10⁻², तो 1/15 × 10⁻², −1/18 × 10⁻², ये वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 10 की पावर्स को सॉल्व करते हैं। तो 10 की पावर्स को सॉल्व करने के लिए मैं ये गिवन है वो रब कर रही हूँ, गिवन को हम रब कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
क्योंकि हमने वैल्यूज पुट कर लिया तो अब गिवन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज देखिए हमने क्या करना है, 9981 हो गया, 81 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81 को 15 से मल्टीप्लाई किया 5, 41 और 8, दैट इज 5, 1 एंड 12, ठीक है। ये आ गया 1250, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1250, हमने लिखा 1250। 10 रेज टू पावर माइनस 6, 10 रेज टू पावर माइनस 6 इज 10 रेज टू पावर माइनस 12 एंड 10 रेज टू पावर 9, यानी कि माइनस 12 प्लस 9 होगी 10 की पावर, तो माइनस 12 प्लस 9 क्या होगा, 12 में से 9 कर दो कितना बचा, 10 रेज टू पावर माइनस 3 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ये 10 रेज टू पावर 2 और 10 रेज टू पावर 2 को ऊपर ले जाओ, बाकी एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट क्या करेंगे, 10 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 10 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 18। अब ये 10 रेज टू पावर 2 भी तो कॉमन आ सकती है, तो यहां से अगर हम 10 रेज टू पावर 2 कॉमन निकालते हैं तो यहां से ये यहां पे आ जाएगी, दैट इज 10 रेज टू पावर 2 यहां से खत्म होगी, ठीक है, यहां से हमने खत्म कर दी। अब देखो 10 रेज टू पावर माइनस 3 और 10 रेज टू पावर 2 कितनी बचेगी, 10 रेज टू पावर माइनस 1, ओके ये बची। अब 15 और 18 का एलसीएम लो, 15 और 18 का एलसीएम लो, सबसे पहले 2 पे जाएगा 15 और 9, उसके बाद में 3 पे गया 5 और 3, फिर 3 पे जाएगा 5 और 1, फिर 5 पे गया 1 और 1, कितना हो गया 10 और 9 90, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया, तो यहां पे लिख लेते हैं 90, ओके। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, दैट इज 6, ओके। 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, दैट इज 5, तो 6 माइनस 5 इज 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1215 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 90। अब 10 रेज टू पावर माइनस 1 को मैं नीचे लेके जा सकती हूँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1215 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10, ओके। ये क्या आएगा 1215 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा आंसर कितना आ रहा था, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1215 डिवाइडेड बाय 900 जूल्स। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वर्क डन की जो वैल्यू है, दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू 1.35 जूल्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा, दैट इज 1.35 जूल। तो इसके बाद में, इसको करने के बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद में पॉज करके और नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, सेट अप एंड अरेंजमेंट ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। हमें 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं, एक प्लस क्यू है, एक 2Q है और एक XQ है। 3 पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं और इन 3 पॉइंट चार्जेस की हमने एक अरेंजमेंट बनानी है ऐसे कि ये तीनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, यानी कि क्यू और 2Q के बीच में, 2Q और XQ के बीच में और क्यू और XQ के बीच में जो डिस्टेंस होगा, तीनों का जो म्यूचुअल डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, सिस्टम की जीरो होनी चाहिए, ऐसे हमने उनको अरेंज करना है और फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बेसिकली हम अरेंज कैसे करेंगे, देखो इक्वल डिस्टेंस कब होता है तीन चार्जेस का, जब बात करते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ठीक है। जब बात की जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स है, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, ये पहला वर्टेक्स है, यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, तो हम दूसरा वर्टेक्स लेते हैं, उस दूसरे वर्टेक्स के ऊपर मान लो यहाँ पे प्लस 2Q चार्ज पड़ा है और यहाँ पे XQ चार्ज पड़ा है, ये सेकंड था और ये थर्ड है, ठीक है। ये चार्जेस हमारे पास है, तो यहाँ से देखो क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, लेट मी चेंज द मार्कर प्लीज, एक सेकेंड। ओके हो गया मार्कर चेंज। तो अब यहाँ पे देखिए, दोबारा लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा लाइट है वो तो इसलिए दिखता नहीं है। तो ये फर्स्ट वर्टेक्स था, ये सेकेंड वर्टेक्स था और ये थर्ड वर्टेक्स था। यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस 2Q है और यहाँ पे
एक्स क्यू चार्ज पड़ा हमारा, और तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स कि तीनों साइड किसके इक्वल होंगी, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। आपने जस्ट क्या करना है, देखो x की वैल्यू निकाली और इसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो, आपको इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपने करना क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसने खुद दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी जीरो। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, सेकेंड और थर्ड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, थर्ड और फोर्थ के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, सो दैट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लिखें, आप गिवन लिख लेना, ठीक है, गिवन लिख लेना जो भी आपको तीन चार्जेस दिए हैं। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट द थ्री चार्जेस बी एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार्जेस बी एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम मान लेते हैं कि हमारे जो चार्जेस हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेसिस के ऊपर पड़े हैं, ठीक है, वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे एक चार्ज है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, एक तो ये पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू वन, एक ये पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू टू, और एक ये पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू थ्री। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल्स टू क्या होगी, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री। अगर आपको इससे समझ नहीं आ रहा तो सीधा लिख लो U12, U23 और U31, ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे वर्टेक्स के बीच, दूसरे और तीसरे वर्टेक्स के बीच, तीसरे और पहले वर्टेक्स के बीच जो एनर्जीज है, पोटेंशियल एनर्जी हमने वो निकालनी है, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगा दो पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज U इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q1 कौन है, Q यानी कि प्लस Q, और Q2 कौन है, ये यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, Q2 है हमारे पास 2Q और डिस्टेंस कितना है R, माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस, ठीक है। यहाँ पे Q1 कितना है 2Q, Q2 कितना है XQ डिवाइडेड बाय R, प्लस तीसरी बच गई U1 और 3, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, पहला चार्ज है XQ ये वाला, दूसरा चार्ज है Q ये वाला डिवाइडेड बाय R, क्लियर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कॉमन जो चीजें हैं वो बाहर निकाल लीजिए, ये क्यू और ये क्यू क्यू स्केयर बनाएगा, यहां पे भी इनका क्यू स्केयर बनेगा, यहां पे भी इनका क्यू स्केयर बनेगा, तो कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल्स टू क्यू स्केयर डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अंदर क्या बच गया, आर भी बाहर निकाल लो, कॉमन है, यहां पे बचा टू, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा टू एक्स, और यहां पे क्या बचा प्लस का x, यही बचेगा हमारे पास। तो यहां से देखो, गिवन दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, गिवन क्या है हमें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो दिए, सो पुट करते हैं u इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये चीज तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकती, इसको यहां पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पुट कर देते हैं तो ये q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो जीरो के प्रूव इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो नहीं होता, दैट मीन्स कि टू प्लस एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स, ये इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब तो यही हुआ, अगर ये इक्वल टू जीरो है दैट मीन्स कि थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, ये टू इधर आके माइनस का टू हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस टू बाय थ्री, तो यही तो हमने निकालनी थी। तो तीन चार्जेस हैं हमारे पास, दैट इज क्यू टू क्यू एंड एक्स क्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस टू बाय थ्री, तो तीसरा चार्ज क्या होगा दिस माइनस टू बाय थ्री क्यू। अब आपने काम क्या करना है, अगर आपने अपना आंसर चेक करना है, आप इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जीज निकाल लो, इन तीनों की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, अगर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी दैट मीन्स कि आपका रिजल्ट सही है, अगर जीरो नहीं हुई दैट मीन्स कि रिजल्ट गलत है, ठीक है, इसको चेक कर लेना, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, हम मैं वेरिफिकेशन भी करवा दूंगी, ठीक है। तो इसको पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद में लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, आज के थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, तो जल्दी जल्दी इसको नोट, स्टूडेंट्स मूव करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर थ्री। इसमें क्या दिया आपको, तीन चार्जेस दिए हैं, जो भी आपको दिया एक बार साइड पे लिख लीजिए, माइनस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, तीन चार्जेस गिवन है, ठीक है। आर प्लेस एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, हर एक के बीच में इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्लेस है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है, फिर यहाँ पे क्यू है, और यहाँ पे फिर माइनस क्यू है,
ठीक है. इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो, अब ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, और ये जो बच गया यहां से यहां तक का ये है 2R. ठीक है. अब इसने ये बोला है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस वो अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स कि गिवन क्या है U इज इक्वल्स टू जीरो. ये जीरो हो जाए तो हमने वैल्यू निकालनी है कैपिटल Q रेशियो स्मॉल Q की, वैल्यू क्या आएगी वो निकालनी है. अब देखो सारा लड्डू क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, यू इक्वल टू जीरो है तो बस सारी यू निकाल लो, माइनस क्यू और क्यू के कैपिटल क्यू के बीच में, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू के बीच में, और माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में आपका काम हो जाएगा. तो मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी यू वन है माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की, कैपिटल क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो एनर्जी है दैट इज यू टू, एंड माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच की जो एनर्जी है दैट इज यू थ्री, और गिवन क्या है कि वो जीरो के इक्वल है. ठीक है, पुट कर दो वैल्यूज. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कौन है माइनस Q, Q2 कौन है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 कौन है कैपिटल Q, Q2 कौन है माइनस Q डिवाइडेड बाय R, प्लस 1 अपॉन 4, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे पूरा नहीं आएगा, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब Q1 कौन है, दोनों में से कोई ले लो माइनस Q, ये माइनस Q और दूसरा Q2 कौन है, ये वाला माइनस Q, और डिस्टेंस कितना है 2R. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, 2R आ गया, और ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. ओके, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, कॉमन क्या आएगा इसके बीच में, देखो यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, यहां पे भी Q है, तो बाहर निकाल लो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर और ये आर बाहर आ गया. अब बचा क्या यहाँ पे, माइनस कैपिटल क्यू, यही बचा. यहाँ पे क्या बचा फिर, माइनस कैपिटल क्यू, यहाँ पे क्या बचा, प्लस क्यू बाय टू, ये बचा. ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है. ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर तो जीरो हो नहीं सकता. ठीक है, ये तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो जीरो के इक्वल कौन हुआ, आगे कर रही हूं मैं, जीरो के इक्वल कौन होगा दैट इज क्यू, कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू कितना होगा माइनस कैपिटल टू क्यू, प्लस क्यू बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो. ये जीरो के इक्वल हो गया. अब ये जीरो के इक्वल हो गया तो इसको दूसरी साइड ले जो, क्यू बाय टू इज इक्वल्स टू टू कैपिटल क्यू, इसके इक्वल हो गया, इसको ऊपर ले जो, दैट इज क्यू इज इक्वल्स टू फोर कैपिटल क्यू. रेशियो किसकी निकालनी है, क्यू की और फोर क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की, स्मॉल क्यू कितना है वन, कैपिटल ये कितना है फोर, तो रेशियो कितनी आ गई, वन रेशियो फोर. ठीक है, ये हमने रेशियो निकालनी थी, यहां से देखो क्यू वन लिख दिया, कैपिटल क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है फोर, तो इनकी रेशियो क्या आएगी हमारे पास, वन रेशियो फोर हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो ये था दैट इज कैपिटल क्यू रेशियो स्मॉल क्यू आज का आंसर था. ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं. आप इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स लेके, उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स. तो तब तक के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए.